सारे बच्चे प्रॉपर लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं तो पिटाई करूंगा सबकी। लोकेश सर, क्या था ये सब? अरे क्या बात होगी मैडम, क्यों सुबह सुबह बिना रहे हो? वो आपके घर वाले? ओ मैडम रुक जाओ ना, माइक तो बंद करने दो। अब बोलो मैडम। आपने अपने घर वालों को मेरे घर आने से रोका क्यों नहीं? मैंने आपको मना किया था ना, मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। भगवान ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये? अरे मैडम मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मैं तो खिलाफ नहीं हूँ ना। देखिए आप इस रिश्ते के खिलाफ हो या ना हो आई डोंट केयर, लेकिन मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। ओ मैडम जी बात सुनो, हमारी शादी जरूर होगी, पंडित जी ने मुहूर्त भी निकलवा दिया है और 32 जनवरी को हमारी शादी है। आप ना बिल्कुल चुप हो जाओ, मुझे नहीं करनी आपसे शादी, वैसे भी आपके और मेरे बीच ना जमीन आसमान का अंतर है। मैडम एक बार हमारी शादी होने दो, रातों रात सारे अंतर मिटा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। भाई लोकेश सर ने तो लंबा हाथ मार लिया यार, ना प्रपोज ना डेट, सीधा शादी। वाह भाई वाह, किस्मत हो तो लोकेश सर जैसी। अरे सर जी मैडम जी, आप दोनों को शादी करनी है तो करो और नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम ये माइक तो ऑफ कर लो। और आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है, अपनी इस प्रेम लीला का टेलीकास्ट ना कम से कम स्कूल असेंबली माइक पर तो मत करो। अरे शान करके रख दिया दोनों ने मुझे। क्या था ये सब? देखो मैडम मेरी गलती नहीं है, मैंने माइक ऑफ किया था, ये खटका खराब है माइक का। अरे सर जी सच सच बता दो, कौन से मंदिर में दिया जलाया था? लोकेश 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 लोकेश। क्या बात है, पहली बार स्कूल के सारे बच्चे मेरी साइड है। शाबाश बच्चों शाबाश। लगता है शर्मा भी तुम्हारी मैडम। भाई मैडम तो गुस्से में चली गई, लगता है मैम इस शादी से ना खुश है। अबे खुश हो या ना खुश हो हमें क्या मतलब, हमें तो दावत खाने से मतलब है, हमारा काम क्या है दावत खाने का, और वो हम खा के रहेंगे चाहे हमें कोई शादी में बुलाए या ना बुलाए। भाई सोच, अगर हमने इन दोनों की शादी तुड़वा दी तो लोकेश सर ने हमें जितना तोड़ा है, जितने भी हमारे कूले सुझाए हैं ना, सबका हिसाब बराबर। और सुन, हम मैम के चहेते भी हो जाएंगे, अगर एग्जाम में नंबर कम ज़्यादा हुए तो मैम देख लेगी ना, और लोकेश सर से हमारा पुराना हिसाब बराबर। भाई तूने तो एक नंबर प्लान बनाया है, अब देख तू कैसे लोकेश सर की कुंडली के सारे ग्रह बिगाड़ते हैं, शनि मंगल राहु केतु सब भारी होगा अब लोकेश सर का। चल मेरे साथ चल। ओए मैडम के पास वो चलो वो टोल वाले हो, बैंड बाजा लेके आ जाओ। यार रचित भाई, यार तेरे को पता है ना मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा हूँ, वो जो मेरी स्कूल क्रश है चमेली, उसको मैंने प्रपोज कर दिया यार, बट एक प्रॉब्लम है। अरे अब क्या प्रॉब्लम है, प्रपोज कर तो दिया तूने, अब क्या चाहता भाई तू? भाई मैंने उसे प्रपोज तो कर दिया, बट मैं उसको गिफ्ट क्या दूँ मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। भाई तू कोई ऐसा तरीका बताना जिससे मैं घर बैठे डेली प्राइज जीत सकूँ। अरे है ना मेरे भाई जुप्पी, ये देख ये है इंडिया का अपना गेम, यहाँ तू अपनी स्किल से 10 मिनट वाली लूडो स्नेक एंड लैडर जैसे कैजुअल गेम खेल के लाखों में विन कर सकता है, और तो और भाई जस्ट 1 रुपए से खेलना स्टार्ट कर सकता है। क्या बात कर रहा है भाई? पर भाई इसकी विनिंग अमाउंट कैसे मिलेगी? अरे तू UPI के थ्रू इंस्टेंट विड्रॉ कर सकता है डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में बहुत इजीली, और वो भी 100% सेफ एंड सिक्योर, और साथ ही साथ TDS और GST का कैशबैक भी मिलता है। ऐसे ही थोड़ी ना यहाँ पे 7 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। सही है भाई, लेकिन इसको डाउनलोड कहाँ से करूँ? अरे बहुत सिंपल है, मेरे डिस्क्रिप्शन या फिर zuppi.com से डाउनलोड कर ले, और साइन अप के बाद तेरे को 10 रुपए का बोनस भी मिलेगा। सही है भाई, अभी डाउनलोड करता हूँ। मैं भी अभी डाउनलोड करता हूँ भाई। हाँ हाँ जल्दी कर लो, और चलो चलो जल्दी आओ। हाँ हाँ मैम 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 बोलो तो आपकी शादी तुड़वा दूं। मैम जिसको आप इग्नोर कर रहे हो ना, इकलौता वही एक ऐसा बंदा है जो आपकी शादी तुड़वा सकता है। मेरी शादी ना फिक्स हो चुकी है, कुछ पता भी है तुम लोगों को? और एक बात बताओ कि मेरी शादी को तुड़वाने के लिए तुम क्यों इतने एक्साइटेड हो? अरे तुम्हें क्या मिलेगा मेरी शादी तुड़वा के, जो तुम भागते हुए मेरे पीछे आए हो? मैम हर काम के पीछे ना एक मकसद छुपा होता है। सही कह रहे हो भाईजान, मकसद नहीं भूलना भाईजान। अबे जाहिल वो वाला नहीं यार, हम जय श्री राम वाले बंदे हैं। ओ हाँ बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
हाँ मैम, मैं कह रहा था कि हम आपका काम करवा देंगे, लेकिन बदले में आपको भी हमारा काम करना पड़ेगा। देखा, मुझे तो पता ही था। अच्छा काम बताओ अपना। वो मैम, वो प्री बोर्ड आने वाले हैं ना, तो हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। और सच बताऊं ना, हमारा पढ़ने का मन, लेकिन हम आपका इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम आपकी शादी कैंसिल करवा देंगे, बदले में आपको हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, हमें प्री बोर्ड में पास कर देना। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें ऐसे पास नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैडम दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास, आप ना एग्जाम के पेपर्स लीक कर देना, फिर जो आप पेपर लीक करोगे हम वही क्वेश्चन पढ़ के आ जाएंगे और पास हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल है। ऐसे आइडिया तो अच्छा है, एक हाथ से शादी तुड़वाओ एक हाथ से पेपर लीक करवाओ। लेकिन अरे मैडम जी, इसमें इतना क्या सोचना, रचित भाई जो भी बोलते हैं ना डंके की चोट पे बोलते हैं। आपने घरजोड़ो.com तो सुना होगा? घरतोड़ो.com कभी सुना है? रचित भाई को-फाउंडर है यार उसके। और पूरे स्कूल में एक ही सिंगल पीस है जो आपकी शादी तुड़वा सकते हैं। और अगर आपको भरोसा ना हो ना तो बैक रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लेना, स्कूल की सारी वीडियोस देख लो क्या क्या कांड करे रचित भाई ने। शादी तुड़वाना दंगे चुटकियों का काम है। वैसे इसकी बात तो सही है। रचित बेटा, मुझे लग रहा है तुम ना मेरे बहुत काम आने वाले हो, तो एक बार चले क्लासरूम में प्लान डिस्कस कर ले। मैम अगर आप चाहते हो ना कि हमारा ये शादी तोड़ो मिशन सक्सेसफुल हो जाए, तो आपको हमारी सारी बातें सुननी पड़ेंगी, और जैसे जैसा हम बोलेंगे वैसा वैसा आपको करना भी पड़ेगा। अरे मैं तो लोकेश सर से अपनी शादी तुड़वाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, तुम बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। देखो मैडम, हम ऐसे डायरेक्ट तो मना कर नहीं सकते, तो हमें सबसे पहले जाल बिछाना पड़ेगा। मतलब आप अपने घर वालों से जाके बोलो कि आप ये शादी ना स्कूल में करना चाहते हो। अरे अगर मेरे घर वाले मेरी बात सुनते तो लोकेश सर से मेरी शादी थोड़ा ना करवाते, वो तो मेरी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे हाँ यार, ये भी तो है ना, आपके घर वाले आपकी तरफ तो है नहीं, लोकेश सर की तरफ है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके घर वाले आपकी तरफ नहीं है तो लोकेश सर की तरफ तो है। आप जाके लोकेश सर को बोलो और लोकेश सर जाके आपके घर वालों को बोलेंगे। क्या हो गया अगर आपके घर वाले आपके नहीं सुनते, तो लोकेश सर की तो सुनेंगे ना। लेकिन एक बात तो बताओ, मुझे करना क्या होगा? अरे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये जितने भी सारे फंक्शन है ना, हल्दी मेहंदी घुड़चड़ी वगैरह, ये सब स्कूल में होंगे, ऐसी शर्त जाके आपको लोकेश सर के सामने रखनी है। अरे तभी तो हम लोग एक्टिव होके स्कूल में ये सब एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना, और आपकी और लोकेश सर की शादी तुड़वा पाएंगे, और ऐसे ही तो हमारा मिशन होगा सक्सेसफुल। हाँ तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज तक हमने कितनी सारी डेस्टिनेशन वेडिंग सुनी है, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, लेकिन पहली बार एक वेडिंग की डेस्टिनेशन स्कूल होगी, वाह। हाँ मैडम, आपकी और लोकेश सर की शादी तुड़वाओ मिशन को हम लोग सक्सेसफुल बना के रहेंगे। ठीक है, तो मैं लोकेश सर से बात करके आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। बहारो फूल बरसाओ, लेकिन काटे मत फेंक देना, मैडम के पैर में चुभ जाएंगे। लोकेश, आई एम सो फनी। लोकेश सर, अगर आप चाहते हैं कि हमारी शादी हो तो आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। अच्छा शर्तें? अरे मैडम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं दहेज के खिलाफ हूँ, आई हेट डाउरी। अरे दहेज तो मैं आपको वैसे भी नहीं देने वाली, ऐसी शादी के लिए भी दहेज देना पड़े तो लालत है शादी पे। मेरी शर्तें थोड़ी अलग है लोकेश सर। अलग शर्तें बताओ मैडम जी। मेरी ये शर्त है कि हमारी शादी के जितने भी फंक्शंस होंगे, जैसे कि रिंग सेरेमनी, हल्दी मेहंदी, घुड़चड़ी, संगीत वगैरह, वो सब स्कूल में ही होंगे। स्कूल में? हाँ स्कूल में, और बाहर से कोई भी गेस्ट नहीं आएगा हमारी शादी में, जो भी गेस्ट होंगे वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ही होंगे, और शादी हम स्कूल में ही करेंगे, बाहर से कोई भी गेस्ट नहीं आएगा। ओ मैडम, फिर तो अपनी सुहागरात भी स्कूल में ही होगी ना। थोड़ा कंट्रोल करो लोकेश सर, वैसे भी जब शादी नहीं होगी तो सुहागरात की नौबत तो आने ही नहीं वाली। क्या बोला मैडम जी? कुछ नहीं, मैं बस यही बोल रही थी कि जो भी होगा स्कूल में ही होगा, ये सुहागरात वगैरह तो बहुत बात की बातें हैं, अभी फिलहाल इतना है कि शादी स्कूल में ही होगी। हाँ डन है मैडम जी, आपसे शादी करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुहागरात तो तब मनेगी ना जब हमारी शादी होगी। तो ठीक है फिर लोकेश सर, शादी स्कूल में डन है? डन मैडम डन। ठीक है।
मिशन शादी कैंसिल। तो सबसे पहले मैडम हमें पॉइंट आउट करने होंगे कि हमारे फंक्शन क्या क्या है, और सबसे पहला फंक्शन है रिंग सेरेमनी। लेकिन हम आपकी रिंग सेरेमनी होने नहीं देंगे, तो शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो तुम्हारे पास रिंग सेरेमनी कैंसिल करवाने का प्लान है? प्लान अभी तो नहीं है, पर बहुत टाइम पड़ा है, सोच लेंगे। भाई सपोज कर अगर बाय चांस ये रिंग सेरेमनी कैंसिल नहीं हुई तो? बिल्कुल सही क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए भी ना प्लान बी है मेरे पास। लेकिन अब प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है कि अगर रिंग सेरेमनी सक्सेसफुली हो गई तो हम अगला फंक्शन तुड़वाएंगे। और अगला फंक्शन क्या है? और अगला फंक्शन हमारा होगा हल्दी। तो हल्दी तुड़वाने का प्लान है ना तुम्हारे पास? अभी तो कोई आइडिया तो है नहीं, लेकिन दिमाग तो है, टाइम आने पे आइडिया भी सोच लेंगे। और बाय चांस हल्दी भी कैंसिल नहीं हुई तो? करेक्ट करेक्ट, उसके लिए तीसरा प्लान है मेरे पास, प्लान सी। एक से भले दो, दो से भले तीन, सुना तो होगा ना? वो क्या है? मैडम अगर हल्दी में भी शादी नहीं टूट पाती फिर हमारा प्लान सी एक्टिवेट होगा। और प्लान सी है कि हम अगला फंक्शन तुड़वाएंगे, और वो है मैडम अगला फंक्शन होगा संगीत, और संगीत में आपकी शादी कैंसिल। अच्छा भाई एक बात बता। अबे चुप हो जा यार, यहाँ पे प्लान बिगाड़े जा रहे सारे के सारे। या तो हमारी हेल्प करने आया है, फिर हमारे प्लान कैंसिल करवाने आया है। अरे बस करो, लड़ो मत। मुझे एक बात बताओ, तुम संगीत कैंसिल करवाने का कोई आइडिया है तुम्हारे पास? अरे बहुत टाइम है मैडम, सोच लेंगे कुछ ना कुछ तो। और अगर मेरी शादी संगीत में भी कैंसिल नहीं हुई तो फिर तुम क्या करोगे? मैडम घबराओ मत, उसके लिए भी मास्टर प्लान है मेरे पास। अगला फंक्शन होगा घुड़चड़ी, और घुड़चड़ी में जैसे तैसे करके हम आपकी शादी तुड़वा ही देंगे। नहीं नहीं, लेकिन भाई लग जाता तो क्या होता यार? समझ गया भाई, मैं तेरी फीलिंग समझ गया। तू यही कहना चाहता है ना कि अगर ये प्लान भी कैंसिल हो गया तो क्या? अबे हम भी बेटा कच्ची गोटियों के खिलाड़ी नहीं है। अबे किसी आदमी का पहला प्लान फेल हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, लेकिन पांचवा प्लान किसी आदमी का फेल नहीं हो सकता, क्योंकि पांचवा प्लान हमारा आखिरी प्लान है। और आखिरी फंक्शन होगा हमारा आखिरी फंक्शन होगा शादी। और मान ली तेरी बात, रिंग सेरेमनी मान ले हो गई, हल्दी भी हो गई, संगीत भी हो गया, घुड़चड़ी भी हो गई। अबे लेकिन जैसे तैसे करके हमें शादी तो तुड़वानी पड़ेगी ना, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद तो फिर मैडम की शादी होगी या नहीं होगी? नहीं नहीं रचित बेटा, शादी नहीं होनी चाहिए जी। लोकेश सर से शादी नहीं करनी है, कुछ भी करके कैंसिल करवा दो। अरे तुड़वा देंगे मैडम जी, तुड़वा देंगे, लेकिन उसके लिए ना आपको ना मेरे ऊपर बिल्कुल पूरा भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आखिरी फाइनल अंतिम उम्मीद मैं ही हूँ। तो लाओ इसी बात पे थोड़ा सा कैश दे दो। कैश? किस बात का कैश? अरे मैडम जी किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए फंड लगता है ना। मूवीज में नहीं देखा आपने, कोई भी मिशन करना होता है तो बजट तो लगता है, तो थोड़ा बजट तो आपको भी पास करना पड़ेगा। अब अगर आपको लोकेश सर जैसे हस्बैंड से छुटकारा पाना है तो फंड तो देना ही पड़ेगा। दे दो दे दो। अच्छा कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं मैडम, बस 1,00,000। 1,00,000? अरे इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं, मेरी तो सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए है। कोई बात नहीं मैडम, आज ही आपकी सैलरी आई है ना, अब 10,000 रुपए दे दो, हम उसी से काम चला लेंगे। दे दो मैडम दे दो यार। बेटा मेरा काम तो हो जाएगा ना? अरे डन है, शादी तो होनी नहीं। तो रिंग सेरेमनी शुरू करें? अरे गार्ड भैया, आप करवाओगे हमारी रिंग सेरेमनी? हेलो कल्लो बात मैडम, अरे मैं दिन में गार्ड हूँ, रात में तो शादियाँ ही करवाता हूँ। अरे चार वेदों का ज्ञान है मुझे, कहो तो सुनाओ यार। रहने दो, चलो रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं मैडम। रचित बेटा तुम्हारा प्लान तो रेडी है ना? अरे मैडम बिल्कुल रेडी है, आप फिक्र मत करो। अरे मैडम कहाँ खो गई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
लड़का लड़की इसमें से रिंग ढूंढेंगे और एक दूसरे को पहनाएंगे। इस तरह आपके रिंग सेरेमनी की रस्म भी पूरी हो जाएगी। अरे मैडम सोच क्या रहे हो, ढूंढो ना, आ जाओ। अरे मैडम, अरे मुहूर्त निकला जा रहा है। अबे अबे रिंग कहाँ है इसमें? सचित बेटा मुझे लग रहा है तुम्हारा प्लान काम कर गया। अरे मैडम मैंने तो बोला ही था कर दी ना आपकी अंगूठियां गायब। अबे कहाँ गई रिंग? अबे कैसे होगी मेरी शादी? ओ पंडित जी इसमें रिंग कहाँ पे है? रिंग तो है नहीं इसमें। डाले तो इसी में थे। कहाँ है रिंग? अब ये रिंग सेरेमनी कैसे होगी? वेल डन रचित बेटा, तुमने क्या बढ़िया प्लान बनाया। लगता है मैडम हमारा प्लान ना सक्सेसफुल हो गया है ना। नो रिंग नो सेरेमनी, नो सेरेमनी मतलब नो शादी। अब हम यहाँ क्यों बैठे हैं? चलो चलते हैं स्टेज से। ठहरो, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये रिंग सेरेमनी होके रहेगी। लेकिन कैसे, रिंग तो है ही नहीं। टैं टैं टैं। मैडम ये नहीं रिंग। एक रिंग आप मुझे पहनाना, एक रिंग मैं पहना दूंगा आपको। ये कैसी रिंग है? अरे मैडम ये ऑर्गेनिक रिंग है, ऑर्गेनिक मतलब हरी भरी। मतलब रिंग तो खाली मैडम मेटल होता है, हमें मेटल से प्यार थोड़ी करना है, हमें तो एक दूसरे से प्यार करना है ना। और मैडम ये कंपल्सरी थोड़ी है कि रिंग मेटल की हो, सोने की, चांदी की, हीरे की, मोती की हो। हां लो, ये तो लोग बागों ने बना रखा है, रिंग ऑर्गेनिक भी तो हो सकती है ना। लो पहनाओ मुझे। अरे मैडम किस दुविधा में हो, एक रिंग आप मुझे पहनाओ, एक मैं आपको पहनाऊंगा, फिर होगी हमारी रिंग सेरेमनी। लो अरे पकड़ो ना, डर क्यों रही हो? अरे वाह सर क्या बात बोले हैं आप, इस बहाने हमारी दक्षिणा भी बन जाएगी। चलो चलो एक दूसरे का रिंग पहनाओ। मुहूर्त निकला जा रहा है, ए फूल फेंको। अरे मैडम लो ना। यस यस होगी मेरी रिंग सेरेमनी। थैंक यू पंडित जी, लव यू मैडम, अभी आता हूँ। क्यों घटिया प्लान था ये? प्लान तो बढ़िया था मैडम, नहीं चला तो हम क्या करें यार, हमने तो प्लान अच्छा बनाया था ना भाई। अरे रचित तुम्हारा प्लान है तो फेल हो गया, अब क्या करेंगे? तो क्या हो गया मैडम? इट्स नॉर्मल, प्लान है तो सभी का फेल होता है और प्लान है तो बना ही फेल होने के लिए होता है। लेकिन मैडम अब बारी है हमारे प्लान बी की। आई होप तुम्हारा प्लान भी काम करे। करेगा। अब सीपी, अब कितनी हल्दी लगवाएगा? सीपी मतलब चौकीदार प्लस पंडित जी। अरे सर जी हल्दी की रस्म पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। अरे नहीं नहीं पंडित जी, ऐसे कैसे संपन्न हो गई पंडित जी, अभी दो मिनट रुकिए कुछ होगा। अरे मैडम जी अब रुकने का क्या फायदा, हल्दी की रस्म तो मुहूर्त के अनुसार हो चुकी है। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया, आप मैं बोल रही हूँ ना, आप रुको अभी होने वाला है कुछ होगा। नहीं नहीं अब नहीं रुकना, अरे हल्दी होनी थी हो गई, अब कुछ नहीं होगा। अबे हट। जी मैडम। रचित ये क्या हो रहा है, तुम्हारे प्लान बी का क्या हुआ? वो मैडम जी वो प्लान बी का ये हुआ कि जिस बंदे को प्लान बी के लिए भेजा था ना वो आया ही नहीं। उसको ना मैंने भेजा था कि वो लाल मिर्च का पैकेट ले आए और लाल मिर्च लाके हल्दी में मिला दे, ताकि जब हल्दी में लाल मिर्च मिलके लोग के सर के शरीर पे लगेगी ना तो फिर सारे के जलन होना स्टार्ट हो जाए और लोग के शरीर फंक्शन छोड़ के भाग जाए और आपकी शादी कैंसिल हो जाए। लेकिन मैडम क्या करूं, वो लाल मिर्च का पैकेट नहीं लाया, बताओ। स्टूपिड, जिस तरीके से तुम्हारे प्लान जा रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है मुझे लोकेश सर से शादी करनी पड़ जाएगी। नहीं मैडम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, अभी नेक्स्ट प्लान है ना, शादी कैंसिल करवा के रहेंगे। चुप रहो। रचित मेरी रिंग सेरेमनी हो गई, मेरी हल्दी हो गई, अरे तुमने तो कहा था कि प्लान ए फेल हो सकता है, लेकिन प्लान भी कभी फेल नहीं होगा। क्या कर रहे हो तुम, क्या हुआ तुम्हारे प्लान का? अरे मैडम जी बस वो गलती से मौका हाथ से निकल गया, प्लान तो काम कर ही रहा था ना,
लेकिन आप टेंशन मत लो, हमारे पास अब प्लान सी है और लाइफ में मैडम जी 19-20 हो जाता है, इतना तो चलता है ना। अब मैं आपकी शादी तुड़वाऊंगा हमारे प्लान सी में, मतलब संगीत के फंक्शन में। देखती हूँ कि संगीत में तुम ऐसा क्या कर लोगे, जैसी तुम्हारी हरकत है ना, मुझे तो लग रहा है मुझे लोकेश सर से शादी करनी पड़ जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी मैडम आपकी शादी सर से, हम होने ही नहीं देंगे। हम संगीत के अंदर आपकी शादी तुड़वा के रहेंगे, लेकिन हाँ आपको ना संगीत के फंक्शन में हमारा साथ देना पड़ेगा। साथ? कैसा साथ? हाँ, ये तो आराम से हो जाएगा। बस तो फिर आपकी शादी भी टूट जाएगी। तो गाइज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा संगीत का फंक्शन। मैडम जी एक बार गाना चला दो। अभी मैडम नाचो ना। तू होगी वन टू टू तो कुड़िए व्हाट टू डू, मेकअप तू कर दिया तू कंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा वे वफा ऐश्वर्या बाहर निकल, मुझे धोखा देकर किसी और के साथ घर में जा रही है तू। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे हम, जश्न मनाएंगे सागर छल गाएंगे, ना होश में आएंगे तेरे इश्क में नाचेंगे। प्लान प्लान। अरे वाह वाह वाह, क्या डांसर बुलाया, क्या मस्त डांस कर रहा है। अरे वाह, ऐसे करना, ऐसे 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 कर। अब नाचो ना, अब रुक क्यों गया, तेरे को पैसे नहीं मिलेगा डांस करने के, अब नाच। ऐश्वर्या यार तू मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती यार, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। ये पबलू तुम्हारा होने वाला दूल्हा है क्या, इसे शादी कर रही हो तुम? अरे क्या देख कर तुम इतने मर मिटे यार, ए, क्या देख रहे हो? अरे गर्लफ्रेंड रही है मेरी, गर्लफ्रेंड फर्स्ट स्टैंड नहीं है ये, नो सेकंड हैंड माल है पूरे 5 साल। पांच साल तक इसका मेरा चक्कर चलता रहा और जब इससे मेरी शादी नहीं हो भाई तो इसने इस पपलू से शादी करने का फैसला ले लिया। कुछ कमाता धमाता नहीं था ना उस टाइम पे, मैं नौकरी नहीं थी मेरे पास, इसलिए उस टाइम पे मैं ब्लॉगर था। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने यार, कुत्ता उठा लाया, सेकंड हैंड गाड़ी उठा लाया, चाचा ताऊ के बच्चे तक उठा लाया यार, लेकिन फिर भी मेरा ब्लॉग नहीं चला भाई। फिर इसलिए मैंने इससे सेटिंग करी कि मेरे कपल वाले ब्लॉग चल जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं चले तो इसने मुझे गुड बाय बोल दिया। झिंगुर मैं क्या बोलता हूँ, दोनों भाई से शादी कर लेते हैं यार, दो पति एक पत्नी वाले क्रिएटर बनते हैं भाई। बोल क्या बोलता है? अरे तो खाली बोतल है, इसमें तो दारू ही नहीं है। ए, तो, घर से पी के आऊ मैं उसको। लोकेश सर क्या बोल रहा है ये? अरे कैसी मैडम है लोकेश सर, ये इनका तो बॉयफ्रेंड भी था। लोकेश सर आप जिस बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे थे उसमें ऑलरेडी कोई विड्रॉल करके आपके सामने आके खड़ा हो गया। नहीं लोकेश सर नहीं। लोकेश सर 5 साल का रिलेशनशिप, सोचो क्या कुछ नहीं हुआ होगा सर। तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैडम जी टेंशन मत लो, अब आपके सारे फंक्शन कैंसिल और शादी भी कैंसिल। ठीक है, दो पति एक पत्नी वाली डील डन। लेकिन सुन चैनल का रेवेन्यू 50-50 करेंगे, ठीक है ना? बोल डील डन है ना? ए जिंगुल भाई, ए ए 50-50 कैसे होगा, इतना साल मेहनत नहीं किया। नहीं 50-50, 50-50, no. एक मिनट, मैं दो दो शादी नहीं कर सकती, मुझे तो एक ही पति चाहिए। देख भाई मैडम ने तो मना कर दिया, अगर तू 50-50 वाली डील डन करता ना तो मैं कुछ सोचता। अरे तुम क्या कुछ करोगे, मुझे ही नहीं करनी दो शादी, तो पागल हो गए हो क्या तुम? मुझे सिर्फ एक ही शादी करनी है, मुझे सिर्फ एक ही पति चाहिए।
सुन लिया भाई तूने, मैडम की ना है तो ना है, तेरा ऑफर रिजेक्ट हो चुका है। देख भाई तू मैडम का एक्स बॉयफ्रेंड हो, मामा हो, फूफा हो, मुझे नहीं पता, अब मैडम का पति मैं हूँ। पास्ट सबका होता, पास्ट को पास्ट रहने दे। मैडम मेरे से बहुत प्यार करती है और मैं मैडम से ही शादी करूंगा। तो सुन तू पतली गली से निकल जा, नहीं तेरा झापड़ा तोड़ दूंगा मैं। अबे चला जा यहां से, चल। अबे रुको, गाने वाने चलाओ यार। आपका पति मैं ही हूं एक। रचित बेटा तुम्हारा प्लान सी भी फेल हो गया। अरे तो मैडम मैं क्या करूं, मैंने तो एक नंबर का बढ़िया प्लान बनाया था। मुझे क्या पता था कि आपके होने वाले पति एक नंबर के नमूने हैं। अपनी बीवी को 50-50% में डन करके बैठ गए। मुझे तो लगता है ना मैडम जी, लोकेश सर आपके प्यार के साथ साथ ना पैसों के भी भूखे हैं। लेकिन मैडम आप टेंशन मत लो, हमारे पास अभी भी दो फंक्शन पेंडिंग है और अगला प्लान है प्लान डी घुड़चड़ी। इस पे तो मैं आपकी शादी तुड़वा ही दूंगा, इससे आगे तो बात बढ़ेगी नहीं मैडम। अच्छा घुड़चड़ी पर ऐसा क्या कर लोगे तुम? उसके लिए मैडम आपको थोड़ी सी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बेटा ऑलरेडी ना प्लान ए के टाइम पे तुम मुझसे 10,000 रुपए कैश ले चुके हो, और वो सोने की अंगूठी जो तुमने ठस कर ली थी एंगेजमेंट के टाइम पे, उसका क्या? अरे शादी ब्याह की वीडियो बन रही है मैडम जी, खर्चा लगता है, बजट लगता है। अब कुछ कारनामा अगर आपसे करवाना है तो देखो पैसे तो लगेंगे मैडम। ठीक है बेटा एक काम कर, तू ना मेरी ये सोने की चेन रख ले, लेकिन किसी भी तरह से ना मेरी लोकेश सर से शादी तुड़वा दे, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। अरे हो जाएगा, आपने बोला और हो जाएगा आपका काम। पक्का? पक्का। एक मिनट मैं क्यों नाच रही हूं? कोई बात नहीं लोकेश सर, नाच लो जितना नाच सकते हो नाच लो, उसके बाद तो आपको रोना ही है। नाचो नाचो। बटेरो अबे घोड़ी वाले भैया घोड़िया की क्यों नहीं बढ़ रही? चल बेटा चल रहे। अबे घोड़िया की क्यों नहीं चल रही? वाओ लगता है अपना प्लान एक्टिवेट हो गया। अरे हाँ सर जी, ये घोड़ी तो आगे नहीं बढ़ रही है। अबे मैं यही बोल रहा हूँ, नहीं बढ़ रही आगे। प्लान काम कर रहा है अपना। ठहरो मेरे को पता है घोड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। कैसे? ए पकड़। अबे अब क्यों नहीं बढ़ रही आगे, बढ़ाने से आगे नहीं चल रही, क्या करें सर? भाई इस मास्टर को तो पता नहीं, जितने पैसे ये दे रहा है ना उससे ज्यादा हम दे चुके हैं। और क्या तेरे प्रॉपर्टी नाम करा दूं अपनी? घोड़ी की मर्जी सर। अरे सर घोड़ी तो अभी भी आगे नहीं बढ़ रही है। अब तो लोकेश सर गए। अरे सर लगता है घोड़ी भी नहीं चाहती कि आपकी घुड़ चढ़ी हो। अब जब आपकी घुड़ चढ़ी नहीं होगी तो आपकी शादी कैसे होगी? अबे ओ पागल पंडित जी कैसी बातें कर रहा है, घुड़चड़ी तो होके रहेगी। अब कहाँ जा रहे हो सर? अरे ये सर कहाँ चले गए? ले भाई लोकेश सर की घुड़चड़ी भी कैंसल और शादी भी कैंसल। और जितने बच्चे यहाँ पे आ। मैं सर? अबे हाँ तू यहाँ पे आ। क्या हुआ सर? हाँ सर क्या हुआ? अबे ओ स्कूल के बाद तू बाइक पे बहुत घूमता है ना, मतलब तेरे को बाइक भी चलानी आती है। एक काम कर बाइक चला। क्या हुआ? घोड़ी पे घुड़चड़ी नहीं हुई, घुड़चड़ी होगी आज बाइक पे। अरे तेरे को पता नहीं मेरे ताऊजी की घुड़चड़ी तो ना ट्रैक्टर पे हुई थी। कोई नहीं हमारी बाइक पे हो जाएगी। ओ आजा जल्दी आ। अब आना जल्दी चला, मैडम वेट कर रही है मेरा। चल तो लगता है अब ये वाला प्लान भी फेल हो जाएगा। भगवान जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ?
रचित, तुम्हारे प्लान फेल पे फेल होते जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है अब मेरी शादी लोकेश सर से होके ही रहेगी। अरे ऐसे कैसे मैडम आपकी शादी हो जाएगी? प्री बोर्ड में पास तो हमें भी होना है ना, ना हम आपकी शादी होने दे सकते हैं और ना खुद को फेल होते हुए देख सकते हैं। कोई बात नहीं मैडम, इंसान को ना हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद आती है जीत। क्या हो गया अगर हमारा पहला प्लान फेल हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास पांचवा और आखिरी ऑप्शन बाकी है मैडम। हाँ बेटा, अगर ये लास्ट ऑप्शन काम नहीं किया ना तो मेरी जिंदगी के परमानेंट ऑप्शन बन जाएंगे लोकेश सर, पता नहीं उनके साथ जिंदगी कैसे काटूंगी मैं। अरे क्यों नेगेटिव हो रहे हो मैडम, आपने मूवीज नहीं देखी क्या? एंड में जाके सब कुछ ठीक हो जाता है और यही तो क्लाइमैक्स है, जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन अब तुम्हारा प्लान क्या है? वो तो मैडम जी आपको शादी वाले दिन पता ही लग जाएगा। तो चलिए आप फेरों की शुरुआत करते हैं। एक मिनट पंडित जी, थोड़ी देर में करते हैं ना। अरे रचित क्या हो रहा है ये, कब आएगा तेरा प्लान काम? अब तो बात फेरों तक पहुंच गई है। मैडम थोड़ा सबर करो, अपना टाइम आएगा आएगा। कब आएगा अपना टाइम? अरे सर जी मैडम जी मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से फेरे शुरू कीजिए ना। लोकेश तुम ये शादी नहीं कर सकते। अगर तुमने ये शादी करी तो मैं इसी मंडप पे कूद के अपनी जान दे दूंगी। अरे आंटी कौन है? पता नहीं पर लोकेश सर का नाम ले रही है। मैं इसकी बीवी हूँ। बीवी? अबे जिसको समझा कुआरा वो निकला किसी और का घरवाला। हाँ लोकेश सर, आप मेरे साथ धोखा करने जा रहे थे। आप ऑलरेडी शादी शुदा है, उसके बावजूद भी मुझसे दूसरी शादी कर रहे थे। छी, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। शांत मैडम शांत, आप ठीक कह रहे हो कि मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन अगर ये मेरी बीवी है ना तो मुझे इससे वन टू वन बातें करने दो। एक बार, तू मेरी बीवी है ना? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये रहा तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र। अगर तू मेरी बीवी है ना तो मंडप में आ और मैं सबके सामने तेरे को अपनी ऑफिशियली बीवी मानूंगा। तू आ, आ तू यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं फेरे नहीं ले सकती तुम्हारे साथ, शादी भी नहीं कर सकती। ओसीपी तू जल्दी से मंत्र पढ़े और फेरे करवा। अब जो कुछ भी होगा ना इसी के साथ होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नहीं नहीं बाबा, मैं शादी नहीं कर सकती। नहीं, मैं फेरे भी नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती फेरे? फेरे तेरे को लेने पड़ेंगे, जल्दी आजा फेरे ले। फेरे तो लेने पड़ेंगे, फेरे तो लेने पड़ेंगे, फेरे तो लेने पड़ेंगे। लेकिन ये प्लान का हिस्सा थोड़ी ना था, मुझे इस बात के पैसे थोड़ी ना मिले थे। पैसे मिले थे? पैसे मिले थे? रचित बताओ इन लोगों को, मुझे तो यहाँ पे आके सिर्फ हल्ला करना था। मैं तो ये सब प्लान का तो हिस्सा ही नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हारे बोलने पे यहाँ पे एक्ट करने आई थी। यू नो ना यार, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? भाई ये सब रचित का प्लान था। लो, ये प्लान भी फेल हो गया। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, गई मेरी नैया पानी में। अब तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी ये लोकेश सर के साथ ही बितानी पड़ेगी। ले जाओ अपने पेड आर्टिस्ट को, मुझे पता है सारे फंक्शन में तुमने जो ड्रामे करे ना, हर एक बात का पता मेरे को। लेकिन सर आपको सारा प्लान कैसे पता? बेटे तुमने रामायण देखी है ना? हाँ सर। तो उसमें रावण के भाई विभीषण को भी जानते होंगे? हाँ सर। जिसने राम जी के पास आकर रावण के सारे राज बताए थे? हाँ सर बिल्कुल, बचपन से रामायण देखते आए हैं। हाँ हाँ वही वही, तुम्हारी टीम में भी एक विभीषण है। विभीषण? कौन है सर हमारे बीच विभीषण? ये यश का बच्चा। और कौन? तू अबे कितने में बिका बे? भाई भाई सर ने बोला फिजिकल के प्रैक्टिकल में 30 में से 30 देंगे यार। एक डील इसने तुम्हारे साथ करी, फिर इसने एक डील मेरे साथ करी, सब कुछ सच बताने की। ये बिकाऊ है? रचित तूने ऐसा क्यों किया? तो लोकेश सर और मैडम की शादी तोड़वाना चाहता था। भाई मस्ती की भी कोई सीमा होती है, किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना और उसकी शादी तोड़वाना कोई हलवा है क्या? यार शांत हो जाओ यार तुम सब, मुझे ही क्यों बोले जा रहे हो? मेरी क्या गलती है भाई इसमें, जब मैडम को सर से शादी नहीं करनी थी। ओ, मैडम।
मैडम वो लोकेश सर से शादी नहीं करती थी। और नहीं तो क्या, इसलिए तो मैडम की हेल्प कर रहा था ये शादी तुड़वाने में, इसलिए तो मैडम का पीछा छुड़वा रहा था लोकेश सर से। देख ऐश्वर्या, अगर तेरे को मेरे से शादी नहीं करनी ना तो अभी तू मंडप से उठ के जा सकती है। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं तेरे से पूछूंगा भी नहीं कि तू क्यों गई। मैं तेरे से प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। अगर भगवान ने तुझे मेरे लिए बनाया होगा ना तो तू मुझे मिल जाएगी, अगर नहीं बनाया होगा तो नहीं मिलेगी। लोकेश सर, आप इतने बुरे इंसान भी नहीं हो। अब देखो ना, हमने कितनी कोशिश की कि ये शादी टूट जाए, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान की यही मर्जी है कि मेरी शादी आपसे ही हो। और जिस चीज़ का होना लिखा ही है उसको क्यों ना हम खुशी खुशी करें, हम क्यों दुख में रहकर उस चीज़ को खराब करें। चलो लोकेश सर, हम दोनों शादी कर लेते हैं। सच में मैडम? ओ मैडम, सच्ची वाला आई लव यू। सच्ची मुच्ची वाला आई लव यू टू लोकेश सर। भाई, लोकेश सर के साथ ये चमत्कार कैसे हो गया? अबे लोकेश सर के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन ये सोच हमारे साथ क्या होगा यार। पक्का हम लोग एग्जाम में फेल होंगे यार, ना मैडम की शादी कैंसिल करवा पाए यार। अब तो मुझे लगता है हमें स्कूल से ही कैंसिल होना पड़ेगा, बस इस विभीषण की वजह से। अरे बस, अब बहुत हुआ, शादी करने आए हो ना तो शादी करो ना। अब मेरी बात सुनो, वर वधु को मंगलसूत्र पहनाएगा, उसकी मांग भरेगा और शादी को संपन्न करेगा। नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अरे अबे क्या नया ड्रामा लगा रखा है। ए रचित भैया, अपनी इस पेड डॉक्टर को लेके जाइए ना। अरे पंडित जी, मैं नहीं जानता इसको कौन है ये। रचित, अपना बहुत हो गया है, अब मेरी किस्मत लोकेश सर ही है। मैं उन्हीं से प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करूंगी। लोकेश सर, आप क्या सोच रहे हो खड़े खड़े? पहनाइए आप मुझे मंगलसूत्र, भरिए मेरी मांग, चलो। अरे क्या हो गया? अरे तुम लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा है, ये कोई टीवी सीरियल का नाटक चल रहा है क्या? कभी कोई आ रही है, कोई जा रही है, और अब ये एक और आ गई है बाहें फैलाते हुए। देख रचित, अपना बहुत हो गया है, इस लड़की को इसकी पेमेंट करो और इसको भेज यहाँ से, वरना तेरा नाम ना स्कूल से काट दूंगी। उसके बाद ये पेड एक्टरों की एजेंसी खोलियो और कमा लियो पैसे। अरे मैडम जी, मेरी बात तो सुन लो, मैं नहीं जानता कौन है ये। माँ कसम, सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता कौन है ये। इससे पहले जो लड़की आई थी ना, उसको जानता हूँ मैं, वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन ये कौन है मैं नहीं जानता मैडम। मुझे यहाँ कोई नहीं जानता सिवा लोकेश के, पूछो इससे कौन हूँ मैं। अरे भाई को लेके जाओ इनको, मुहूर्त निकला जा रहा है। ए लोकेश सर, जल्दी से मांग भरिए इनकी, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा नहीं तो। अच्छा लोकेश, तुम मुझे नहीं जानते ना, तो रुको अभी मैं ये पेट्रोल अपने ऊपर डाल के और बच्चों के ऊपर डाल के दोनों को मार देती हूँ और खुद भी मर जाती हूँ, तब तो तुम बताओगे ना कि मैं कौन हूँ। लगा रही हूँ मैं आग हम तीनों में, और जब इनके मरने के बाद तुमसे सब पूछेंगे ना कि इन बच्चों का बाप कौन है। मैं डाल रही हूँ इन पर पेट्रोल, और माचिस भी है मेरे पास। फिर रुपा, रुको। लोकेश सर, आप इस औरत को जानते हो? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ इन सबको कि कौन हूँ मैं। बताइए लोकेश सर, सब कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कौन है ये? बताओ बताओ सर, जल्दी बताओ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। मैडम आपसे भी, बच्चों आपसे भी, और सीपी आपसे भी। ये मेरी बीवी है, आज से 6 साल पहले मैंने अपने घर वालों की मर्जी के बिना भाग के शादी करी थी, और ये दोनों चुन्नू मुन्नू मेरे बच्चे हैं। पापा पापा घर चलो, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पापा। ऐश्वर्या मैडम सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। लोकेश सर, मैं हमेशा ना आपको बहुत गलत समझती थी, और फिर मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, और मैं आपको सही समझने लगी। लेकिन अब मुझे पता चला है कि मैं ही सही थी और मेरा आपको गलत समझना बिल्कुल सही था। अरे कितने घटिया किस्म के आदमी हैं आप, कितने बेवफाई, कितने नीचे हैं, छी। लेकिन मैडम मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपको शर्म नहीं आ रही अभी भी ये सब कहते हुए? कैसा बेशरम किस्म का प्यार है आपका, जो आपकी बीवी और बच्चों के अलावा और 10 औरतों में बट रहा है। सीपी जी मुझे माफ कर दो, ऐश्वर्या मैडम मुझे माफ कर दो। ले भाई मैडम जी, अब तो आपकी शादी कैंसिल हो गई।
इसका मतलब अब तो हम प्री बोर्ड में पास हो जाएंगे क्योंकि हमारा मिशन शादी कैंसिल हो गया सक्सेसफुल। अरे अरे लगता है मैडम ना अभी बात करने के मूड में नहीं है, अब तो सीधा नंबर देगी प्री बोर्ड में, पास हो जाएंगे। ये साला विभीषण आजा भाई। आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं, दिल का इशारा जमे रहो। यार ये तो वो क्वेश्चन पेपर है ही नहीं जो मैडम ने हमें दिया था, इसमें तो भाई सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट है यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैम मैम एक मिनट इधर आना प्लीज, बस एक बार बोलो। मैम मैं कह रहा था ये ना क्वेश्चन पेपर गलत है। कैसे गलत है? कोई गलत नहीं है क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल ठीक है, सारा का सारा तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में से लिया गया है। अरे मैडम मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा, याद करो हमारी डील हुई थी, अगर हम आपकी शादी कैंसिल करवाएंगे तो आप हमें क्वेश्चन पेपर लीक करके दोगे, और जो पेपर आपने दिया ना उसमें से तो मैडम इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बेटा वो क्या है ना, प्लान सिर्फ तुम्हारे ही फेल नहीं हो सकते, मेरे भी हो सकते हैं। अरे मैडम ऐसे कैसे प्लान फेल हो सकते हैं, हमने तो आपकी शादी कैंसिल करवाई थी ना। चुप करो तुम लोग, तुमने मेरी शादी कैंसिल करवाई है, रहने ही दो, तुम्हारे सारे के सारे प्लान ना एक नंबर के फुस्सी निकले। वो तो शुक्र है कि वो लोकेश सर की अबला बीवी आ गई अपने दोनों बच्चों के साथ, तो मैं बच गई, वरना तुम्हारे चक्कर में रहती ना तो आज लोकेश सर की बीवी बन के बैठी होती। कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद जो पीटीएम है ना उसमें तुम तीनों के तीनों अपने पेरेंट्स को लेके आना, उनको बताऊंगी मैं कि तुमने कैसे मुझसे पैसे लूटे और झूठे झूठे प्लानों में मुझे फंसाया है, और अगर कोई फेल हुआ ना तुम तीनों में से तो अगले साल उसको इसी क्लास में सड़ाऊंगी। पेपर करो अपना। अरे मैडम कहाँ से करें, कुछ आता भी तो हो। भाई अगर ये शादी तुड़वाने के चक्कर में ना पड़ते ना और पढ़ाई करी होती मन लगा के तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। तो बच्चों क्या सीखने को मिला, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, इधर उधर की फालतू चीजों में दिमाग मत लगाओ और अपने गोल्स को अचीव करने की सोचो, नहीं तो जो आज हम लोगों का हो रहा है ना इस एग्जामिनेशन हॉल में वो आपका भी हो सकता है। ए रचित पेपर करो अपना चुपचाप। कोशिश पूरी है मैडम। सो गाइस कैसी लगी वीडियो, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ पूरी वीडियो से अपना फेवरेट पार्ट, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ठीक है, और फेवरेट पार्ट तो कमेंट करना है ही आपको, इतने टाइम के बाद वीडियो आई है, लेकिन हाँ जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो आई है ना। और गाइज आप लोग भी जुप्पी पर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलो और लाखों में जीतो, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, तो जल्दी से डाउनलोड करो zuppi.com से या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, और जल्दी ही एक और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्द, तो इतने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय गाइज।